आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक वर्ग की मांग के बाद अध्यक्ष पद पर अहम चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व ने मतदान प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने के लिए सहमत हो गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव नियमों में बदलाव, पार्टी नेतृत्व ने मतदान प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। कांग्रेस अध्यक्ष का 17 अक्टूबर को होगा चुनाव। 24 से 30 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक वर्ग की मांग के बाद अध्यक्ष पद के अहम चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व ने मतदान प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने के लिए सहमत हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो कोई भी नामांकन दाखिल करना चाहता है वह निर्वाचक मंडल बनाने वाले सभी 9000 डेलीगेट सूची देख सकेगा। ये सूची 20 सितंबर से पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध होगी। बता दें ये कदम शशि थरूर, कीर्ति चिदंबरम और मनीष तिवारी सहित 5 सांसदों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता निष्पक्षता की मांग करते हुए मिस्त्री को खत लिखे जाने के बाद उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री ने कहा है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपने राज्य के 10 डेलीगेट्स के नाम राज्य कांग्रेस कार्यालय में देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई विभिन्न राज्यों के 10 समर्थकों से नामांकन चाहता है तो सभी 9000 प्रतिनिधियों की सूची AICC दिल्ली में मेरे कार्यालय में 20 सितंबर से 24 सितंबर को नामांकन दाखिल करने से पहले उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वे आ सकते हैं और सूची से अपने 10 समर्थकों को चुन सकते हैं और नामांकन के लिए उनके हस्ताक्षर करा सकते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के छोड़ जाने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पार्टी का साथ छोड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टक्कर से पहले वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी में बदलाव की मांग के बाद बिल मिला। पार्टी नेता राहुल गांधी चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने 2019 में पार्टी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था और उसके बाद लगातार इस पद को लेकर इनकार कर रहे थे, उन्होंने यात्रा के दौरान कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं यह तब साफ होगा जब चुनाव होंगे। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रही है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।